और बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है वो आपको बताएं दिल्ली से बड़ी खबर कि राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी हुई ये अहम खबर। ट्रैक्टर मार्च कानूनी कार्रवाई अब राहुल गांधी पर भी पुलिस कर सकती है। ट्रैक्टर लेकर संसद की तरफ आगे बढ़े थे राहुल गांधी और उनके साथ रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। साथ ही 6 कांग्रेसी पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस के साथ कांग्रेसियों की झड़प भी हुई। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने घर से संसद की ओर निकले और उसी को लेकर हो हंगामा काफी ज्यादा हुआ। रणदीप सुरजेवाला सहित 6 कांग्रेसी नेता बताए जा रहे थे जो कि राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है वो भी आपको बताएं। राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च के बाद अब बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर एंट्री के ऊपर ही पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में कोई ट्रैक्टर लाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक्शन होगा क्योंकि लगातार ट्रैक्टर्स के जरिए ही सरकार को घेरने की कोशिश एक तरफ किसान करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए राहुल गांधी आज इसी ट्रैक्टर के जरिए संसद पहुंचे और अब ट्रैक्टर एंट्री पर पाबंदी लगेगी। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला उस पार भी ब्रेक के जारी है। देखते रहिए जी हिंदुस्तान।